हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता, और आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका वन शॉट वीडियो ऑफ योर लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, विच इज चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री। राइट गाइस, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। ये चैप्टर उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा है जिन लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स नहीं जम रहे हैं। किसी को ऐसा लग रहा है कि यार केमिस्ट्री तो बहुत ही हार्ड है, मुझसे हो ही नहीं पाएगा, पेपर में इतने सारे रिएक्शन है, मैं कैसे करूं। तो ऐसे केस में आपको टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको केमिस्ट्री बहुत टफ लग रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में आपको वो चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जिससे कम पढ़ना पड़े और मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मिले। तो ये जो चैप्टर नंबर 16 है, ये उन चैप्टरों में से एक है जिसमें आपको पढ़ना बहुत कम पड़ता है और मार्क्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। कहना मुझे यहाँ पे ये है कि ये जो चैप्टर है ये आपके जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसमें एक्चुअली कुछ भी केमिस्ट्री तो है नहीं, सिर्फ इसमें ये बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो क्या क्या होने के चांसेस है, और अच्छा करेंगे तो क्या क्या बन सकता है, बस यही सारी चीजें इसमें बोल रखी है। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, प्लस पॉइंट है, इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से देखना। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम टाइम तो बहुत ही कम है, मेरे पेपर तो 4th of March से। अरे भाई, अगर टाइम बहुत कम है और आपके पेपर बहुत ही ज्यादा नजदीक है और आपको इसी के साथ साथ चार चार ये भी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, तो ऐसे केस में यू जस्ट हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि आप वन शॉट देख लो। वन शॉट देखने के बाद आपको चैप्टर को स्किप भी नहीं करना पड़ेगा, इसी के साथ साथ सारे छोटे से छोटे पॉइंट्स भी आपके कवर हो जाएंगे, और इसी के साथ साथ पेपर में आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने इतने बढ़िया से चैप्टर जिसका नाम है ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रीन केमिस्ट्री को। ग्रीन केमिस्ट्री पार्ट जब कम्प्लीट होता है उसके बाद में आता है आपका नैनो केमिस्ट्री वाला पार्ट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज जो आपको याद रखना है वो ये है, जो केमिस्ट्री होती है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। रीजन ये है क्योंकि अगर केमिस्ट्री ही नहीं होती थी, राइट, तो केमिकल रिएक्शंस भी नहीं होती थी, तो क्या अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होते थे? नहीं। और अगर अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होते थे तो क्या अलग अलग चीजें मैन्युफैक्चर होती थी? अरे भाई, बिल्कुल नहीं। और अगर अलग अलग चीजें मैन्युफैक्चर नहीं होती थी तो क्या आपकी लाइफ इंप्रूव होती थी? नहीं। आप देखो, पुराने जनरेशन में, प्रीवियस जनरेशन में आपके जो पेरेंट्स के और पेरेंट्स है, लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनकी लाइफ वो लोगों ने काफी सिंपल जी थी। रीजन ये है क्योंकि उनके पास में उतना सारा चीजें था ही नहीं। बट आज देखो, हमारे पास छोटी से छोटी हर एक चीज है, तो इससे हमारी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्वालिटेटिवली इंप्रूव हो गई है। राइट, अब डे बाय डे क्या हो रहा है, डे बाय डे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई मुझे एग्जाम तो देने का है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में आजकल के जनरेशन में तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है जिसके वजह से कंपटीशन इतना बढ़ गया है और कट ऑफ भी बहुत ही ज्यादा हायर होता है। तो आपने देखा होगा पुराने जनरेशन में, ओल्डर जनरेशन में कट ऑफ बहुत कम रहता था एग्जाम्स का क्योंकि पॉपुलेशन उतना नहीं था। बट अब पॉपुलेशन बढ़ने के वजह से कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ रही है। राइट, इन द सेम फैशन जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी की जो क्राइसिस तो फेस करना ही पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको एनर्जी तो कम पड़ेगी पड़ेगी। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि एनर्जी के क्राइसिस होंगे, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उनके डिमांड भी बढ़ेंगी और एनर्जी के क्राइसिस भी होंगे। और अगर एनर्जी के क्राइसिस होंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, बहुत सारी इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन होगा, और अगर बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप होती है तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट का भी तो पोल्यूशन होगा ना। मतलब जो पॉइंट मुझे डिस्कस करना है यहाँ पे वो ये है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी के क्राइसिस भी बढ़ेंगे, जिसके वजह से इंडस्ट्रीज तो डेवलप होंगी होंगी, लेकिन जब इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो कहीं ना कहीं वहां पे पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रीन केमिस्ट्री को। तो अगर मैं ग्रीन केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो जैसे कि इसका नाम ही है ग्रीन केमिस्ट्री, इसका मतलब ये एक ऐसा केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें आप एनवायरमेंट को ग्रीन एंड क्लीन रखना चाहते हो। तो याद रखना, ये एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का ब्रांच है जो कि है ग्रीन केमिस्ट्री, जिसमें आपका एम जो है वो है एनवायरमेंट को ग्रीन बनाना, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री को पॉल टी एनाटस नाम के साइंटिस्ट ने दिया है।
तो याद रखना कभी कभी ये नाम ही आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि किसने आपको ग्रीन केमिस्ट्री के कंसेप्ट के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या कहता है। तो ग्रीन केमिस्ट्री का डेफिनेशन ये कहता है द यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन बाय एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स दैट रिड्यूसेस द यूज ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस। मतलब ये एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जो कहता है कि अगर आपको पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने का है तो इसके लिए आपको ऐसे केमिकल्स को डिजाइन करना पड़ेगा, ऐसे चीजों को बनाना पड़ेगा जिसके वजह से आपको हजारडियस सब्सटेंस का यूज ना करना पड़े। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है उसका आपको यूज करना नहीं पड़े। तो ग्रीन केमिस्ट्री फोकस करता है, ग्रीन केमिस्ट्री का एम है कि आप ऐसे सब्सटेंसेस को बनाओ जो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं हो, बिल्कुल भी हजारडियस नहीं हो एनवायरमेंट को, और जिससे आपका पॉल्यूशन भी जो है वो प्रिवेंट हो सके। राइट, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर मैं बात करती हूँ आगे के पार्ट की, तो आगे आप लोगों ने यहाँ पे जो देखा वो ये है कि ग्रीन केमिस्ट्री बेसिकली एक अप्रोच है टू द केमिस्ट्री दैट एम्स टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी एंड मिनिमाइज द हजार्डस इफेक्ट। मतलब ग्रीन केमिस्ट्री का एक अप्रोच है और ग्रीन केमिस्ट्री का अप्रोच ये है कि आपको हर एक रिएक्शन की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है और जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है, जितने भी हजार्डस सब्सटेंसेस है, उनका यूज मिनिमम करना है। तो दो ही एम है कि आपको मैक्सिमाइज करना है एफिशिएंसी को और मिनिमाइज करना है हजार्डस सब्सटेंसेस के यूज को। अब ग्रीन केमिस्ट्री का बेसिकली काम तीन है, एनर्जी क्राइसिस, पोल्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेस को सेव करना। एनर्जी क्राइसिस को सेव करना है, पोल्यूशन को बचाना है, पोल्यूशन को भी रिड्यूस करना है और इसी के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेस को सेव करना है। ये ग्रीन केमिस्ट्री के कुछ एप्लीकेशन है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भूल के भी आप लोग इस चैप्टर को बुक से मत पढ़ो, क्योंकि बुक में इतना ज्यादा थ्योरी दिया है, पढ़ते जाओ बट वो खत्म ही नहीं होगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपको ऐसा लगेगा ये चैप्टर भी आपको बहुत हार्ड लगने लगेगा। तो उससे बेटर है कि आप लोग क्या करो ना, आप लोग बस इस चैप्टर को जैसे मैंने नोट्स बनाए यही नोट से पढ़ लो। फिर नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। राइट, तो एक डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन। मतलब ये डेवलपमेंट ये कहता है कि आपको अपनी आज की जनरेशन को, तो आपकी आज की जो प्रेजेंट की जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन के नीड्स को तो मेंटेन करना ही है, फुलफिल करना ही है, लेकिन इसी के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन को भी नीड्स को आपको सेटिस्फाई करना है। मतलब कहना मुझे ये है कि मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि भाई मैं आज ही पूरा का पूरा पेट्रोल यूज कर लेती हूँ, फ्यूचर जनरेशन में वो लोग अपना देखते बैठेंगे, वो उनके लिए पेट्रोल खत्म भी हो गया तो मेरा क्या, मेरे को तो पेट्रोल मिल गया ना यूज करने के लिए। लेकिन हम ऐसा नहीं सोच सकते। रीजन ये है क्योंकि अगर हम लोगों ने अपने सिर्फ आज के बारे में ही सोचा और कल के बारे में नहीं सोचा तो कहीं ना कहीं फ्यूचर जनरेशन को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग अपने बारे में सोच रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन को छोड़ दिया। तो कहना मुझे ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो कहता है कि हमें हमारे आज के नीड्स को, प्रेजेंट के नीड्स को तो फुलफिल करना ही है, इसी के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के नीड्स का भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद में जो ग्रीन केमिस्ट्री है, बेसिकली उसके टोटल 12 प्रिंसिपल्स है जिनको हम लोग देख रहे हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री के ये टोटल 12 प्रिंसिपल्स है। ठीक है, तो जो पहला प्रिंसिपल है वो है डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, सेकंड है यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स, थर्ड है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट, एटम इकोनॉमी, लेस हजार्डियस केमिकल सिंथेसिस, रिड्यूस डेरिवेटिव्स, डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन एंड रियल टाइम एनालिसिस पॉल्यूशन प्रिवेंशन। तो ये सारे के सारे आपके ग्रीन केमिस्ट्री के टोटल 12 प्रिंसिपल्स है। ठीक है, ये सारे ही प्रिंसिपल हमको वन बाय वन एकदम बढ़िया तरीके से डिस्कस करना है। ये सारे प्रिंसिपल को प्लीज बुक से मत पढ़ना, क्योंकि बुक में काम की चीज तो दी है लेकिन काम की चीजों के साथ में बहुत सारा कचरा भी भर दिया है, जो पढ़ने पर आपका टाइम तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वेस्ट होगा और आपको चैप्टर बहुत ही ज्यादा लेंदी लगने लगेगा। राइट, तो इसीलिए नोट से पढ़ना। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन, हम लोग सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली यहाँ पे दे क्या रखा है। राइट, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं कि बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट वाला प्रिंसिपल क्या कहता है। ये प्रिंसिपल का कहना है टू गिव द प्रायोरिटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट रेदर देन क्लीनिंग अप एंड ट्रीटिंग अप द वेस्ट। इसका कहना ये है
जैसे आप लोगों ने बचपन में एक कहावत सुनी होंगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सभी को बहुत अच्छे से पता है कि प्रिवेंशन जो होता है वो बेटर होता है देन क्योर से, है ना। बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि पहले ही ध्यान देके उस चीज को आप लोग ये कर लो, ठीक है। तो अब इसका कहना क्या है, इसका कहना ये है कि पहले ही अगर आपने वेस्ट को होने से अगर प्रिवेंट कर दिया तो आपको वेस्ट को क्लीन भी नहीं करना पड़ेगा और आपको वेस्ट को ट्रीट भी नहीं करना पड़ेगा। कहना मुझे यहाँ पे ये है, इन अदर वर्ड्स, कि अगर आप वेस्ट को प्रिवेंट कर देते हो, वेस्ट का फॉर्मेशन ही प्रिवेंट कर देते हो, तो वेस्ट बनेगा भी नहीं, तो वेस्ट को क्लीन भी नहीं करना पड़ेगा, वेस्ट को ट्रीट भी नहीं करना पड़ेगा। तो नाम है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। तो इसका बस यही कहना है कि आप वेस्ट का फॉर्मेशन प्रिवेंट कर दो तो आपको वेस्ट को क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा नाम वैसा ही इसका काम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो इसका कहना क्या है, इसमें भी कुछ इलस्ट्रेशन है। इसका इलस्ट्रेशन ये कहता है, टू डेवलप द जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली वो टेक्नोलॉजी जो कहता है कि आपको ऐसी प्रोसेस का यूज करना है जिसमें वेस्ट कैसा हो, जीरो हो। तो याद रखना, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका कहना है कि वेस्ट जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, एकदम कम से कम वेस्ट, मतलब कि जीरो वेस्ट कोई भी प्रोसेस में बनना चाहिए, ठीक है। यूज द वेस्ट ऑफ वन सिस्टम एज अ रॉ मटेरियल ऑफ अनदर सिस्टम। अब अगर आप चाहते हो कि वेस्ट जीरो बने तो उसके लिए एक तरीका क्या है कि आप एक सिस्टम का जो वेस्ट बन रहा है वो दूसरे सिस्टम में यूज करो। सपोज आपने एक रिएक्शन करवाई, इसमें कुछ तो भी आपका वेस्ट बन रहा था, तो जो भी वेस्ट यहाँ पे बना है आप उसी वेस्ट को दूसरे रिएक्शन में यूज कर लो और उससे कोई नया प्रोडक्ट तैयार कर लो। तो इस प्रिंसिपल का ये कहना है, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी का ये कहना है कि जो भी वेस्ट एक रिएक्शन में बनता है आप उसको दूसरे रिएक्शन में यूटिलाइज कर लो। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ लेटेस्ट से थर्मल पावर प्लांट की, जैसे कि कोराडी, अभी हमारे घर के पास से, नागपुर के पास से कोराडी बहुत नजदीक है, तो कोराडी थर्मल पावर स्टेशन पे बहुत सारा आपने देखा होगा ऐश टाइप का चीजें जनरेट होती है, या आप अपने घर के थर्मल पावर प्लांट होगा, बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, तो बेसिकली वहां पे आपको ऐश टाइप का पाउडर दिखता है। अब वो पाउडर कुछ भी काम का नहीं होता है, बट क्या कर रहे हैं ना हम लोग, वो ऐश टाइप के पाउडर से ईंट बना रहे, है ना, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बना रहे, ईंटें बना रहे, जो घर में जो कंस्ट्रक्शन के वक्त बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो कहीं ना कहीं जो भी ऐश बन रही थी एक जगह पर, आपने उस चीज को यूटिलाइज किया दूसरी चीज बनाने के लिए, है ना। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो ग्रीन केमिस्ट्री का प्रिंसिपल है उसका नाम है एटम इकोनॉमी। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली कि एटम इकोनॉमी होता क्या, चलिए देख लेते हैं। तो एटम इकोनॉमी का कहना ये है, इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एटम्स फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इन द यूजफुल एंड ऑफ रिएक्शन। देखो इसका कहना क्या है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका कहना ये है कि अगर आपने सपोज स्टार्टिंग में 50 एटम्स लिए और रिएक्शन होने के बाद आपको 50 एटम्स से सिर्फ 5 एटम्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है इसमें वेस्ट बहुत सारा हुआ, क्योंकि 50 एटम आपने लिए थे और आपको सिर्फ 5 एटम वाला ही प्रोडक्ट मिला, मतलब आपका बहुत वेस्टेज हुआ। बट अगर आपने 50 एटम लिए और 50 एटम से अगर आपको 45 एटम वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपका वेस्ट बहुत कम हुआ। तो एटम इकोनॉमी का कहना ये है कि ये हमारी इकोनॉमी के हिसाब से देखती है कि जो भी एटम है वो बराबर तरीके से है या नहीं है, प्रोडक्ट में कितने एटम मिले हैं और रिएक्टेंट में कितने एटम है, उस हिसाब से एटम इकोनॉमी का कैलकुलेशन होता है। तो फर्स्ट वाले जो रिएक्शन है वो बिल्कुल भी हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि आपने उसमें स्टार्टिंग में तो 50 एटम्स लिए थे बट आपको प्रोडक्ट में कितने एटम्स मिले, सिर्फ और सिर्फ 5 एटम्स, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट सेकंड केस में आपने स्टार्टिंग में 50 एटम्स लिए और उससे आपको 45 एटम्स मिल रहे, जो कहीं ना कहीं एकदम बढ़िया है, है ना। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं बेसिकली कि एटम इकोनॉमी का कहना क्या है, जरा ध्यान देना। एटम इकोनॉमी के लिए भाई एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला देखो क्या होता है, वो फॉर्मूला कहता है फॉर्मूला वेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन फॉर्मूला वेट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का कितना फॉर्मूला वेट है, मतलब प्रोडक्ट में कितने एटम्स है, अपॉन रिएक्टेंट का कितना फॉर्मूला वेट है, मतलब रिएक्टेंट में कितने एटम्स है।
तो इसका आपका ऐसे आप कैलकुलेशन करते हो। अब यहाँ पे आपको बोल रखा है परसेंटेज, इसका मतलब आप इसी फॉर्मूले को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो बस इतना ही याद रखो कि परसेंटेज एटम इकोनॉमी अगर आपको निकालना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लेना है फॉर्मूला वेट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फॉर्मूला वेट क्या रहेगा, अपॉन में आपको क्या लेना है, फॉर्मूला वेट ऑफ रिएक्टेंट। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला वेट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन फॉर्मूला वेट ऑफ रिएक्टेंट। समझे, समझे या नहीं समझे, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं अपने ग्रीन केमिस्ट्री के थर्ड प्रिंसिपल को, जिसका नाम है लेस हजार्डियस केमिकल सिंथेसिस। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि लेस हजार्डियस केमिकल सिंथेसिस क्या कहता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। लेस हजार्डियस केमिकल सिंथेसिस वो ये बोल रहा है कि आप जब केमिकल रिएक्शन करवाते हो, इसका मतलब ही जब आप केमिकल्स का सिंथेसिस करवाते हो, मतलब ही केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करवाते हो, तो आप ऐसे ही केमिकल्स को सिंथेसाइज करो जो बहुत हार्मफुल नहीं हो। मतलब अगर कोई केमिकल आपने बनाया वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, तो भाई वो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हजार्डस रहेगा, उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए आप हो सके तो हार्मफुल केमिकल्स को सिंथेसाइज ही मत करो, ऐसे केमिकल्स को सिंथेसाइज करो जो बहुत ज्यादा सेफ हो एनवायरमेंट के लिए, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका इलस्ट्रेशन देखो क्या कहता है, इसका एक इलस्ट्रेशन है और हम लोग देख लेते हैं गाइस कि वो इलस्ट्रेशन कहता क्या है। तो मतलब ही देख लेते हैं, लेट्स सी। इलस्ट्रेशन ये कहता है कि आप अगर डीडीटी की बात करते हो तो डीडीटी का फुल फॉर्म ही होता है डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन, है ना, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन। ये बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है, बहुत ही बढ़िया केमिकल है, बहुत अच्छे से इंसेक्ट्स को मार देता है, किल कर देता है, मतलब बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है। लेकिन ये हमारे लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स के लिए, ह्यूमन बींग के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो आप बताओ क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। रीजन ये है क्योंकि भले ही ये इंसेक्टिसाइड बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये लिविंग बींग के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, तो कहीं ना कहीं हम डीडीटी को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, राइट। फिर अगर मैं बात करती हूँ गामा आइसोमर ऑफ बीएचसी का, बीएचसी का फुल फॉर्म ही होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको हम लिंडेन भी बोलते हैं। तो याद रखना गामा आइसोमर जो बीएचसी का होता है, जिसको हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोलते हैं, जिसको हम लिंडेन भी बोलते हैं, ये बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड तो है ही, लेकिन ये लिविंग बींग के लिए हार्मफुल भी नहीं है। तो आप ही बताओ भाई आप किसको यूज करेंगे, डीडीटी को या गामा आइसोमर ऑफ बीएचसी को, गामा आइसोमर ऑफ बीएचसी को। रीजन ये है कि डीडीटी एक भले ही बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है, लेकिन लिविंग बींग के लिए हार्मफुल है। वही अगर मैं गामा आइसोमर ऑफ बीएचसी की बात करूं तो वो इंसेक्टिसाइड भी बहुत अच्छा है और ह्यूमन हेल्थ के लिए वो हार्मफुल भी नहीं है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। जो फोर्थ प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसका नाम है डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। चलिए डिस्कस करते हैं कि बेसिकली डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स क्या कहता है। डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स का कहना देखो क्या है, बेसिकली उनका कहना ये है, जैसे कि अगर मुझे एडिपिक एसिड को बनाने का है, तो एडिपिक एसिड को मैं बहुत सारे अलग अलग तरीके से बना सकती हूँ। सबसे पहला तरीका है कि एडिपिक एसिड को हम लोग बेंजीन से भी बना सकते हैं और एडिपिक एसिड को हम लोग ग्लूकोज से भी बना सकते हैं। मतलब कहना मुझे ये है कि अगर आपको सेफर केमिकल्स को डिजाइन करने का है, तो आप अगर सपोज एडिपिक एसिड बनाना चाहते हो, तो उसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला तरीका है बेंजीन से और सेकेंड तरीका है ग्लूकोज से। अब देखो क्या है, आपने बेंजीन से भी एडिपिक एसिड को बनाया, आपने ग्लूकोज से भी एडिपिक एसिड को बनाया, बट बेंजीन जो होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है, इसका मतलब ही कैंसर कॉजिंग है। तो आप बताओ क्या ये प्रोसेस सेफ है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब आप बेंजीन से एडिपिक एसिड को बना रहे होंगे तो बेंजीन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है। इसका मतलब ये हुआ जब आप इस प्रोसेस को करेंगे तो ये प्रोसेस बिल्कुल भी सेफ नहीं है, नॉट सेफ। वही अगर मैं बात करती हूँ सेकेंड रिएक्शन की, तो सेकेंड रिएक्शन में आप ग्लूकोज से एडिपिक एसिड को बना रहे हो, तो पहले रिएक्शन में भी आपका एडिपिक एसिड ही बना, सेकेंड रिएक्शन में भी आपका एडिपिक एसिड ही बना, लेकिन सेकेंड रिएक्शन में आपने बनाया ग्लूकोज से, और ये रिएक्शन कैसा है, सेफ है। तो आप बताओ आप कौन से प्रोसेस के साथ जाना चाहेंगे, सेकेंड वाले के साथ, क्योंकि सेकेंड वाले में भी वही बन रहा है, फर्स्ट वाले में भी वही चीज बन रही है,
बट सेकेंड वाली प्रोसेस कैसी है, सेफ प्रोसेस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो ग्रीन केमिस्ट्री का प्रिंसिपल है वो देख लेते हैं क्या है। वो है यूज ऑफ सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। इसका कहना यह है कि आपको सेफर सॉल्वेंट को यूज करने का है और उसी के साथ साथ ऑक्सिलरीज को यूज करना है। सेफर सॉल्वेंट मतलब आप जब रिएक्शन का करवाएंगे, सपोज ए प्लस बी से आपको मिल रहा है सी प्लस डी और आप लोग यहाँ पे कोई सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं, तो इस प्रिंसिपल का कहना यह है कि जो भी सॉल्वेंट आप केमिकल रिएक्शन में, केमिकल सिंथेसिस में यूज करने वाले हो, वो सॉल्वेंट हमेशा सेफ होना चाहिए। हजार्डियस सॉल्वेंट को आप यूज ही मत करना, क्योंकि अगर आपने ये सॉल्वेंट हजार्डियस यूज किया, हार्मफुल यूज किया, तो प्रोडक्ट भी हार्मफुल बनेंगे और कहीं ना कहीं वो लिविंग बींग के लिए हार्मफुल होते हैं, एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल होते हैं। तो हो सके तो रिएक्शन में आप वही टाइप के सॉल्वेंट को यूज करो जो बहुत ज्यादा सेफ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका भी इलस्ट्रेशन है, जितने भी प्रिंसिपल्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं सभी प्रिंसिपल का कुछ ना कुछ इलस्ट्रेशन होता है। तो याद रखना कि जब भी आप कोई भी प्रिंसिपल लिखते हो तो हमेशा उसका इलस्ट्रेशन तो आपको वहां पे मेंशन करना ही है। अब देखो क्या है, सॉल्वेंट है दो टाइप के सॉल्वेंट है, पहला है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और सेकंड है ग्रीन सॉल्वेंट। अब ऐसा मत सोचना कि ये सॉल्वेंट का कलर ग्रीन है इसका मतलब इस सॉल्वेंट को ग्रीन सॉल्वेंट बोलते हैं। याद रखना ये जो सॉल्वेंट है ये बहुत ज्यादा सेफ है। ये जो सॉल्वेंट है ये एनवायरमेंट को हरा भरा रखते हैं, एनवायरमेंट की ग्रीनरी को मेंटेन रखते हैं, इसलिए ये सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन सॉल्वेंट। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि है डाइक्लोरोमीथेन, है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन जिसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, इसी के साथ साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे के सारे बहुत अच्छे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो है ही, लेकिन ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसलिए हो सके तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज मत करना और ग्रीन सॉल्वेंट का यूज करना जो सेफर होते हैं, जैसे कि वाटर, वाटर तो सेफ है, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड भी सेफ है। ये जो सॉल्वेंट है ये सेफ तो है ही, इसी के साथ साथ ये एनवायरनमेंट को हमेशा हरा भरा मतलब ही ग्रीन मेंटेन रखते हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री को, जिसका नाम है डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। तो चलिए डिस्कस करते हैं गाइस कि डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी वाला प्रिंसिपल क्या कहता है। डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, इसका कहना ये है कि आप अगर सपोज कोई भी रिएक्शन को करवा रहे हो, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी पहली रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी ये सेकेंड रिएक्शन है। अब जो फर्स्ट रिएक्शन है, सपोज आप उसमें जो हीट यूज कर रहे हो वो है 1000 डिग्री सेल्सियस और सेकेंड रिएक्शन में आप जो है वो करवा रहे हो लेट अस से 25 डिग्री सेल्सियस वाली हीट यूज कर रहे हो। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, अगर आप फर्स्ट रिएक्शन को ध्यान से देखते हो तो आप यू विल ऑब्जर्व हियर वन थिंग कि फर्स्ट रिएक्शन तो हो रही है, सेकेंड रिएक्शन भी हो रही है, दोनों ही रिएक्शन सेफ है, बट फर्स्ट रिएक्शन में टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज्यादा हाई है। अब आप ही बताओ अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई है मतलब एनर्जी का क्या होगा, बहुत ज्यादा वेस्टेज होगा, है ना। वही अगर मैं सेकेंड वाले रिएक्शन की बात करती हूँ तो सेकेंड वाले रिएक्शन भी है सेम ही, जैसे ऊपर वाली रिएक्शन थी वैसे ही नीचे वाली रिएक्शन है, बट सेकेंड रिएक्शन में आपका टेम्परेचर कितना है, 25% 25 डिग्री, मतलब टेम्परेचर कहीं ना कहीं कैसा है, कम है, तो एनर्जी का वेस्टेज भी कम होगा, एनर्जी भी आपको कम लगेगी। तो इस डिजाइन का कहना ये है, इस प्रिंसिपल का कहना ये है कि आप रिएक्शन करवाओ बट ऐसी रिएक्शन करवाओ जिसमें आपकी एनर्जी कम यूज हो, जिसमें आपको टेम्परेचर कम लगे, हो सके तो वो रूम टेम्परेचर पे ही हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बेसिकली इसका इलस्ट्रेशन देख लो क्या कहता है। इसका इलस्ट्रेशन कहता है कि आप बायो कैटलिस्ट को यूज करो, क्योंकि कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, तो आपको रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी भी कम लगती है, टेम्परेचर भी कम लगता है, प्रेशर भी कम लगता है। यूज ऑफ माइक्रोवेव हीटिंग, मतलब हो सके तो ओवन में हीटिंग किया जाए कंपाउंड को, क्योंकि ओवन में अगर आप हीट करते हो तो एनर्जी कम लगती है, क्योंकि ओवन पूरी तरीके से बंद होता है। रिफ्लक्सिंग कंडीशंस का भी आप यूज कर सकते हो, राइट। चलिए जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का वो देख लेते हैं हम लोग क्या कहता है। वो कहता है यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक, यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक कहता है, इसको देख लेते हैं। तो उसका बेसिकली कहना ये है कि दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, पहला होता है रिन्यूएबल और सेकेंड होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज बेसिकली वो कभी खत्म नहीं होते, इसका मतलब ये है
कि जैसे कि अगर मैं पेट्रोल की बात करती हूँ तो पेट्रोल कैसा है, पेट्रोल कुछ समय के बाद में खत्म हो जाएगा, मतलब पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल है, जिसको आप फिर से रिन्यू नहीं कर सकते, जिसको आप फिर से जनरेट नहीं कर सकते, आप ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हो, और ऐसे रिसोर्सेज जिसको आप फिर से जनरेट कर सकते हो उनको आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ आगे के पॉइंट की, तो जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है अगर सपोज वो खत्म हो गए, पहला बात ये है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको आप फिर से जनरेट नहीं कर सकते, याद रखना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप फिर से जनरेट नहीं कर सकते। तो अगर ये खत्म हो जाएंगे तो बेसिकली एनवायरमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन आ जाएगा, क्योंकि आप उसको फिर से क्रिएट नहीं कर पाएंगे, नॉन रिन्यूएबल है मतलब ही वो कुछ समय के बाद में क्या हो जाएंगे, कुछ समय के बाद में वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो रिसोर्सेज है ये एनवायरमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं क्या ला देते हैं, बर्डन ला देते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये जो रिसोर्सेज है ये एनवायरमेंट को डिप्लीट करते हैं, जैसे कि अगर आप पेट्रोल का यूज तो करते हो बट गाड़ी से जो भी स्मोक निकलता है, जो भी धुआं निकलता है, वो हमारे एनवायरमेंट को डिप्लीट कर रहा है, और ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को कंसिडर नहीं करते। वही अगर मैं बात करती हूँ रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं वो एनवायरमेंट को डिप्लीट नहीं करते, क्योंकि वो रिन्यूएबल है, डिप्लीट नहीं करते, बिल्कुल भी हजार्डस नहीं होते, वो ना तो एनवायरमेंट के ऊपर कोई बर्डन लाते और इसी के साथ साथ वो फ्यूचर जनरेशन के नीड को भी कंसिडर करते। नेक्स्ट जो ग्रीन केमिस्ट्री का प्रिंसिपल है वो है रिड्यूस डेरिवेटिव्स और मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप, इसको भी देख लेते हैं। रिड्यूस डेरिवेटिव और मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स का देखो क्या कहना है, इसका कहना ये है कि सपोज अगर मैं पहला बना रही हूँ ए प्लस बी गिव सी, सी प्लस डी गिव ई, ई प्लस एफ गिव जी, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आपने टोटल तीन स्टेप्स का यूज किया, तो आपने बेसिकली बनाया क्या, ए से आपने बनाया जी को, और अगर आपके डायरेक्टली ए से कोई जी बन जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप यूज हुई। तो कहना मुझे यहाँ पे ये है, पहली वाली रिएक्शन और सेकेंड वाली रिएक्शन दोनों ही सेम है, फर्स्ट रिएक्शन में भी आपने ए और बी की हेल्प से जी को बनाया था और सेकेंड वाली रिएक्शन में भी आपने ए और बी से जी को बनाया, मतलब दोनों ही रिएक्शन कैसी है, सेम है। सेकेंड पॉइंट आपने जो यहाँ पे ऑब्जर्व किया वो ये है कि फर्स्ट स्टेप में भी ए बी से जी बना और सेकेंड स्टेप में भी ए बी से जी बना, बट फर्स्ट वाले केस में आपको टोटल तीन तीन स्टेप लगी, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स रहेगी ज्यादा तो केमिकल भी ज्यादा लगेगा, है ना। तो अगर इसका कहना ये है कि आप मिनिमाइज कर दो स्टेप्स को, अगर आप कम स्टेप में प्रोडक्ट को बनाते हो, डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनाते हो, तो ऐसे केस में आपके केमिकल्स भी आपको कम लगेंगे। सेकेंड केस में आपने ए प्लस बी से अगर डायरेक्ट जी बना दिया तो एक ही स्टेप लगी, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको केमिकल भी कैसे लगेंगे, कम लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है यूज ऑफ कैटालिसिस, तो चलिए देखते हैं कि बेसिकली यूज ऑफ कैटालिस क्या कहता है। इसका कहना जो है वो ये है, कैटालिस्ट जो होता है बेसिकली उसके बहुत सारे काम होते हैं, वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, रिएक्शन की सिलेक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, वेस्ट को मिनिमाइज करता है और रिएक्शन के टाइम को भी कम कर देता है। ये सारी कैटलिस्ट की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेबल दे रखा है जिसमें रिएक्शन और कैटलिस्ट के सारे नाम दिए हैं, तो ये सारे रिएक्शंस आपको एज इट इज रट्टा मारने के। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन, तो चलिए देखते हैं डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन क्या कहता है। बेसिकली इसका कहना ये है कि आप ऐसे केमिकल्स को सिंथेसाइज करो, ऐसे केमिकल्स को डिजाइन करो जब वो एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वो अपने आप क्या हो जाए, अपने आप वो डिग्रेड हो जाए, है ना। तो अगर आपने कहीं ना कहीं ऐसे केमिकल्स को सिंथेसाइज किया जो एनवायरनमेंट में बहुत सालों तक ऐसे के ऐसे ही है, वो डिग्रेड ही नहीं हो पा रहे, तो ऐसे केस में वो आपके लिए हजार डेज है ना, और पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो इसका कहना ये है कि आप ऐसे केमिकल्स को डिजाइन करो बेसिकली जो एनवायरनमेंट में इजीली डिग्रेड हो जाए, राइट। फिर
नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का उसको देख लेते हैं। वो कहता है रियल टाइम एनालिसिस पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन। तो देखो इसका कहना क्या है, इट फोकसेस ऑन द एनालिटिकल मेथड्स टू अलाउ द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस एट रियल टाइम। इसका कहना ये है कि सपोज ए प्लस बी है ना, इससे बन रहा है सी प्लस डी, इससे बन रहा है ई प्लस एफ, इससे बन रहा है जी, इससे बन रहा है एच। अगर आपको ये चीज पता है कि एच वाला जो सब्सटेंस है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ही ज्यादा हैजार्डस है, और अगर ये कंपाउंड बन गया तो भाई ब्लास्ट भी हो सकता है, बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, एनवायरमेंट को कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप सही तरीके से टाइम को मैनेज करते हो और अगर आप लोग सही टाइम आने पर ही सपोज रिएक्शन को स्टॉप कर देते हो, सपोज आपने ये टाइम पे ही रिएक्शन को स्टॉप कर दिया, तो क्या हार्मफुल प्रोडक्ट बनेगा? नहीं। इसका मतलब इस प्रिंसिपल का कहना ये है कि सही समय पर रियल टाइम का एनालिसिस करके अगर आपने आपकी रिएक्शन को स्टॉप करवा दिया तो आपका हार्मफुल सब्सटेंस ही नहीं बनेगा, और अगर हार्मफुल सब्सटेंस ही नहीं बनेगा तो एनवायरमेंट में पोल्यूशन भी नहीं होगा, एनवायरमेंट को कुछ भी हार्म भी नहीं होगा। तो रियल टाइम मतलब सही समय पर एनालिसिस करके रिएक्शन को आप लोग स्टॉप करवा दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। चलिए डिस्कस करते हैं सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन क्या कहते हैं। बेसिकली इसका कहना यह है कि आप लोग हैजार्डस सब्सटेंसेस को बनाई ही मत और ऐसे सब्सटेंसेस का यूज करो जिससे एक्सीडेंट ना हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे केमिकल प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि बॉयलर वगैरह फट जाता है, केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत सारी जल जाती है, उसका वन ऑफ द रीजन ये है क्योंकि वहां पे बहुत हैजार्डस सब्सटेंसेस बनते हैं जिसके वजह से ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इसका कहना ये है कि हो सके, देखो अगर केमिकल एक्सीडेंट होते हैं, एक्सप्लोजन होते हैं, आग लग जाती है, बहुत सारे धुआं निकलता है, तो अगर इस चीज को आपको अवॉइड करना है तो उसके लिए दो तरीके आपके पास में। पहला तरीका देख लेते हैं, पहला तरीका क्या है। पहला तरीका ये है कि आप गैशियस सब्सटेंसेस का यूज अवॉइड करो क्योंकि गैशियस सब्सटेंसेस डेंजरस होती है, लेकिन जो भी सॉलिड होते हैं, जो भी लिक्विड होते हैं वो बहुत ज्यादा सेफ होते हैं, उनसे कोई भी एक्सीडेंट भी नहीं होता और उनसे कोई भी एक्सप्लोजन भी नहीं होता है। उसके बाद में हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू नैनो केमिस्ट्री कि नैनो केमिस्ट्री क्या कहता है। तो नैनो साइंस, सबसे पहला टर्म है नैनो साइंस। नैनो का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा स्मॉल, बहुत ही ज्यादा जो स्मॉल होता है उसको नैनो बोलते हैं, और उसका जो भी साइंस है उसको क्या बोलेंगे, नैनो साइंस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आपका नैनो टेक्नोलॉजी। चलिए डिस्कस करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी को। नैनो टेक्नोलॉजी का कहना यह है कि डिजाइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रक्चर, डिवाइस एंड सिस्टम बाय कंट्रोलिंग द शेप एंड साइज एट नैनोमीटर स्केल। इसका कहना ये है कि आप डिजाइन करो सब्सटेंसेस को, कैरेक्टराइज करो सब्सटेंसेस को, प्रोड्यूस करो सब्सटेंसेस को, लेकिन आपको उनका जो भी शेप है, जो भी शेप है हर एक चीज का, उसको मेंटेन रखना है नैनोमीटर स्केल पर। मतलब आपको ऐसे सब्सटेंसेस डिजाइन करने हैं, कैरेक्टराइज करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं, बट उनका स्केल जो है, उनका जो साइज है वो नैनोमीटर स्केल पर मेंटेन रहना चाहिए। 1 नैनोमीटर का मतलब 10^-9 मीटर होता है। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं नैनो मटेरियल को। तो मटेरियल हैविंग द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विद एटलीस्ट 1 डायमेंशन इन नैनोमीटर स्केल। अगर सपोज आप ऐसे सब्सटेंसेस को डिजाइन करते हो, क्योंकि सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंस ले लो, कोई भी मटेरियल ले लो, बेसिकली उसको टोटल 3 डायमेंशन होते हैं। आप सभी को पता है 3 डायमेंशन होता है, एक होता है एक्स, एक होता है वाई, एक होता है जेड, ऐसे टोटल 3 डायमेंशन होते हैं। तो अगर ये 3 डायमेंशन में से 1 डायमेंशन भी आपका नैनोमीटर स्केल में है, 1 डायमेंशन भी अगर है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को आप नैनो मटेरियल बोलते हो। कंडीशन क्या है, कम से कम 1 डायमेंशन तो भी नैनोमीटर स्केल में होना चाहिए। उसके बाद में बेसिकली नैनो जो स्ट्रक्चर्स है, नैनो स्ट्रक्चर के टोटल 3 मेजर टाइप्स होते हैं, 3 टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नैनो स्ट्रक्चर के कौन से 3 क्लासिफिकेशन होते हैं।
सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है गाइस, वो होता है आपका जीरो डायमेंशन नैनोस्ट्रक्चर, सेकंड होता है वन डायमेंशन, और थर्ड होता है टू डायमेंशन। पहला है जीरो डायमेंशन नैनोस्ट्रक्चर, सेकंड है वन डायमेंशन नैनोस्ट्रक्चर, और उसके बाद में क्या है, टू डायमेंशन नैनोस्ट्रक्चर। जीरो डायमेंशन का कहना ये है कि यहाँ पे तीनों के तीनों डायमेंशन ही आपके नैनो स्केल में होते हैं। इसका मतलब अगर मैं बात करती हूँ एक्स एक्सिस की, अगर मैं बात करती हूँ वाई एक्सिस की, अगर मैं बात करती हूँ जेड एक्सिस की, तीनों के तीनों डायमेंशन आपके नैनो स्केल में होते हैं। बट वही अगर मैं बात करती हूँ वन डायमेंशन की, तो वन डायमेंशन नैनो स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ दो ही डायमेंशन आपके नैनो स्केल में होते हैं। तो जीरो डायमेंशन नैनो स्ट्रक्चर में तीनों के तीनों डायमेंशन नैनो स्केल में, वन डायमेंशन नैनो स्ट्रक्चर में दो ही डायमेंशन नैनो स्केल में, और टू डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन नैनो स्केल में होता है, ओनली वन डायमेंशन इन नैनो स्केल। ठीक है, तो देखो कैसे याद रखना है, थ्री माइनस जीरो कितना होता है, थ्री। इसका मतलब तीनों डायमेंशन नैनो स्केल में होते हैं, जीरो डायमेंशनल में। थ्री माइनस वन कितना होता है, टू। मतलब वन डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर में दो डायमेंशन नैनो स्केल में होते हैं। थ्री माइनस टू कितना होता है, वन। मतलब टू डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर में एक ही डायमेंशन नैनो स्केल में होता है, राइट। उसके बाद में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है नैनो केमिस्ट्री। तो याद रखना जो भी कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि इसका नाम ही है नैनो केमिस्ट्री, जो भी कॉम्बिनेशन होता है नैनो और केमिस्ट्री का, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो नैनो केमिस्ट्री। याद रखना, केमिस्ट्री और नैनो साइंस से बनता है नैनो केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कैरेक्टराइजेशन, कलर, सरफेस एरिया, कैटालिटिक एक्टिविटी, थर्मल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये सारी अलग अलग कैरेक्टराइजेशन प्रॉपर्टीज होती है। उसमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, वो है कलर ऑफ नैनो मटेरियल, जिसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कलर ऑफ नैनो मटेरियल को। कलर ऑफ नैनो मटेरियल का कहना देखो क्या है, कलर ऑफ नैनो मटेरियल का कहना ये है कि अगर मैं बात करती हूँ कोई नॉर्मल चीज की, सपोज मैं गोल्ड की बात करती हूँ, तो गोल्ड का कलर येल्लो होता है। बट अगर आप वही गोल्ड के नैनो पार्टिकल की बात करते हो, याद रखना, अगर मैं वही गोल्ड के नैनो पार्टिकल की बात कर रही हूँ, तो उसका कलर रेड होता है। मतलब जैसे जैसे आप पार्टिकल के साइज को डिक्रीज करते हो, वैसे वैसे उसका जो कलर होता है वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। गोल्ड पार्टिकल का कलर येलो था, बट जब आपने गोल्ड के नैनो पार्टिकल को कंसिडर किया, तो वहां पे उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया, राइट। उसके बाद में है सरफेस एरिया ऑफ नैनो पार्टिकल। सरफेस एरिया का कहना देखो क्या है, उसको भी अपन लोग समझ लेते हैं। सरफेस एरिया का एक डायग्राम है, ये डायग्राम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सरफेस एरिया का कहना ये है कि जब आप एक ही पार्टिकल को अलग अलग हिस्सों में काटना चालू करते हो, जब आप एक ही पार्टिकल को अलग अलग तरीके से ब्रेक करना चाहते हो, उसको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में अगर उसको ब्रेक करते हो, तो टोटल वॉल्यूम तो सेम है, पहले जितना वॉल्यूम था अभी भी उतना ही वॉल्यूम है, और उसके बाद में भी उतना ही वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम तो सेम है ना। लेकिन जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया का मतलब ये होता है एरिया इस टू वॉल्यूम का जो रेशो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे पार्टिकल का साइज छोटा 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 होते जाता है, वैसे वैसे उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज होते जाता है। और अगर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, समझ गए ना। तो अगर आप पार्टिकल को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करते हो, तो भले टोटल वॉल्यूम तो सेम है, ओवरऑल वॉल्यूम तो उसका सेम है, और उसका सरफेस एरिया बढ़ते जाता है। और अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। थर्मल प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट है वो रिड्यूस हो चुका है, वो आपको नहीं पढ़ने का है, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो गया, सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल बॉटम अप टॉप डाउन प्रोसेस भी रिड्यूस हो गया, ये पूरा रिड्यूस हो गया। उसके बाद में सोल जेल मेथड भी रिड्यूस हो गया, सोल जेल प्रोसेस भी रिड्यूस हो गया, ये डायग्राम भी रिड्यूस हो गया। इसके बाद में आता है ये वाला चार्ट, ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चार्ट, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं इस चार्ट का कहना देखो क्या है। इस चार्ट का कहना ये है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम, यहाँ से एक एमसीक्यू पेपर में 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है, उसको हम लोग मेजर करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, और उससे आप देखते हो कन्फर्मेशन
कि आपका जो नैनो पार्टिकल है जिसको आपने प्रिपेयर किया है वो सही तरीके से बना है या नहीं बना है, वो आप लोग किससे स्टडी करते हो? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो याद रखना, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से मतलब ही यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आप कंफर्मेशन करते हो नैनो पार्टिकल्स के फॉर्मेशन का। एक्सआरडी जो है मतलब ही जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है, इससे आप लोग स्टडी करते हो पार्टिकल के साइज को, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को और उसकी ज्योमेट्री को। थर्ड कैरेक्टराइजेशन टेक्निक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसको आप सेम भी बोलते हो। सेम से आप सरफेस मॉर्फोलॉजी को प्रेडिक्ट करते हो। याद रखना, जो सेम होता है, जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है, उससे आप लोग सरफेस मॉर्फोलॉजी को प्रेडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका टेम। टेम का मतलब ये होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इससे आप पार्टिकल के साइज को बताते हो। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप कंफर्म करते हो कि आपका पार्टिकल फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। एक्सआरडी से आप पार्टिकल के साइज को, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को, उसकी ज्योमेट्री को बताते हो। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से आप सरफेस मॉर्फोलॉजी को प्रेडिक्ट करते हो। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से आप पार्टिकल के साइज को बताते हो। और FTIR से बेसिकली आप एब्जॉर्प्शन बताते हो, फंक्शन ग्रुप का प्रेजेंस बताते हो। इसमें से आपको कोई भी दो चीजें पेपर में आने के चांसेस है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ नैनो मटेरियल्स के बारे में या नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे, तो वो सारे पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अप्लीकेशन ये है, एक सेकेंड, कि जो भी नैनो पार्टिकल्स होते हैं कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रॉन्गर, लाइटर एंड क्लीनर, स्मार्टर सर्फेसेस सिस्टम। दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्क्रैच प्रूफ ग्लासेस। जो भी स्क्रैच प्रूफ ग्लासेस होती है ना, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ग्लासेस आजकल गिरने के बाद भी नहीं टूटते, उनमें स्क्रैच भी नहीं आती है, तो नैनो पार्टिकल्स का ही यूज किया जाता है ना। इसी के साथ साथ देखो, आई ग्लासेस जो होते हैं आपके जो चश्मे के जो ग्लासेस होते हैं, अभी वो गिरने के बाद ब्रेक नहीं होते। रीजन ये है क्योंकि वो भी स्क्रैच प्रूफ होते हैं, राइट। उसके बाद में एम रैम, जिसका नाम होता है मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें भी नैनो मटेरियल्स का ही यूज किया जाता है। क्योंकि इसी का रीजन है ना कि आजकल देखो इतने से चीप में भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो। साइज इतना सा होता है बट उसका जो कैपेसिटी होता है वो टेराबाइट तक के होता है। रीजन ये है क्योंकि वहां पे आप छोटे छोटे पार्टिकल नैनो पार्टिकल्स का यूज कर रहे हो। नैनो टेक्नोलॉजी को ही आप वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक में भी यूज कर सकते हो। अब याद रखना है आपको, जो भी सिल्वर का नैनो पार्टिकल है आप उसको यूज करते हो वाटर प्यूरिफायर में। पेपर में यहाँ से एमसीक्यू आने के चांसेस है कि कौन से नैनो पार्टिकल को आप यूज करते हो। कॉपर मत लिखना, याद रखना सिल्वर नैनो पार्टिकल को आप वाटर प्यूरिफायर में यूज करते हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जो लोटस होता है भले वो तो आपका कीचड़ में उगता है, मडी एरिया में उगता है, लेकिन लोटस हमेशा कैसा होता है? क्लीन होता है। तो रीजन ये है कि लोटस जो है वो एग्जाम्पल है सेल्फ क्लीनिंग फ्लावर का या सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल का। जो उगता तो मडी प्लेस में है, जो ग्रो तो मडी प्लेस में होता है, लेकिन इसी के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को क्लीन रखता है ना। तो सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल का सबसे बढ़िया सा एग्जाम्पल है। उसके बाद में नैनो मटेरियल के कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो एडवांटेजेस ये है नैनो मटेरियल्स के कि आप नैनो मटेरियल को यूज कर सकते हो मेडिकल फील्ड में, है ना। मेडिकल फील्ड में अलग अलग मेडिसिन बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए, कैंसर के ड्रग्स बनाने के लिए, डायबिटीज के ड्रग्स बनाने के लिए आप नैनो पार्टिकल्स को यूज करते हो, ठीक है। और देख लेते, और नैनो पार्टिकल्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखो नैनो टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस क्या है। नैनो टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस ये है कि नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, एयर में नैनो पार्टिकल्स जा रहे हैं, जिसके वजह से आप नैनो पोल्यूशन भी बोल सकते हो। मतलब नैनो पोल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। रीजन ये है क्योंकि एयर में नैनो पार्टिकल्स जा रहे हैं, जिसके वजह से नैनो पोल्यूशन होता है। नैनो पार्टिकल्स आपके लंग को भी डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि वो लंग में इजिली एंटर कर पाते हैं, उनका साइज बहुत छोटा होता है, तो आपके लंग को भी डैमेज कर सकते हैं, डिपॉजिट हो सकते हैं वो लंग्स में। इसी के साथ साथ उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला आपका जो चैप्टर था ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री, जिसमें आपने दो टाइप की चीजों को देखा, ग्रीन केमिस्ट्री को भी देखा और नैनो केमिस्ट्री को भी देखा, तो ये वाला होता है आपका एंड, ठीक है। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे आपके सभी चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो कंप्लीट होते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।